नमस्ते, मेरा नाम मंजीत और आप सभी देख रहे हैं फिटनेस चैनल। आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे Why do you need protein? Protein source, estrogen level, protein requirement। सबसे पहला टॉपिक है Why do you need protein? हमें प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है। प्रोटीन जब भी कोई एथलीट हो या कोई जिमर हो, जब भी वो जिम करने जाता है या कोई एथलीट रनिंग वगैरह करता है, कोई भी कुछ करता हो, तो हमारी उस टाइम पे मसल ब्रेकडाउन होती है, तो उन्हीं मसल ब्रेकडाउन हुई मसलों को रिपेयर करने का काम करता है हमारा प्रोटीन। इसलिए हमें प्रोटीन की खास आवश्यकता होती है। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स हमें सप्लीमेंट्स वगैरह से भी मिलता है। अगर प्रोटीन सोर्स हमें सप्लीमेंट वगैरह से मिलता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है, कोई गरीब घर का होता है, कोई किसी की फैमिली प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकती है या किसी के घर वाले उसको प्रोटीन खाने की इजाजत नहीं देते हैं, तो उन्हीं सभी के लिए आज एक बेस्ट प्रोटीन सोर्स लेके आया हूं। क्या है वो? सोया चंक, CHUNK, चंक, सोया चंक। बेस्ट फूड क्या है वो? हमारा सोया चंक। लेकिन सोया चंक के साथ साथ हमारी काफी मिथी भी है। पहला क्या रहता है, इस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। ये हकीकत है। अगर आप लोग सोया चंक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिन में आप 200 ग्राम 200 ग्राम या 250 ग्राम तक आप अगर सोया चंक लेते हैं, तो आपका इस्ट्रोजन लेवल वो बढ़ता है। इस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से आपका टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो लो होता है। इसी विषय के बारे में हम आज बात करेंगे कि सोया चंक हमें दिन में कितनी लेनी चाहिए। मैं खुद भी सोया चंक लेता हूँ और 8-9 साल हो गए मैं रेगुलर सोया चंक खा रहा हूँ। ठीक है, हमें कैसे लेना चाहिए और कितनी मात्रा लेनी चाहिए हमें सोया चंक की। पहले देखिए सोया चंक में 100 ग्राम में प्रोटीन हमें मिलता है इसमें 52 ग्राम। कार्ब्स कितना मिलता है? 31 ग्राम। और फैट कितना मिलता है हमें? 0.6 ग्राम। 100 ग्राम सोया चंक में हमें प्रोटीन मिलता है 52 ग्राम, कार्ब्स मिलता है 31 ग्राम और फैट मिलता है 0.6 ग्राम। लेकिन बट हम सोया चंक 100 ग्राम पर डे नहीं खा सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? 50 ग्राम पर डे, 50 ग्राम आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। इसको इजिली आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। आपको इस्ट्रोजन लेवल या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पर डे इसको 50 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे बेस्ट सोर्स है हमारा सोया चंक। सोया चंक हमारा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हम अगर पर डे इसको 50 ग्राम कंज्यूम करते हैं, तो 50 ग्राम में हमें इसको कितना मिलता है प्रोटीन? इसमें हमें मिलता है 25 ग्राम के आसपास हमें इसमें प्रोटीन मिलता है। हमें कार्ब्स मिलता है इसमें 15 ग्राम के आसपास, लगा लीजिए 15 ग्राम इसमें हमें कार्ब्स मिलता है। और फैट तो हमारा ना के बराबर ही हो जाता है, 0.3 ग्राम। फैट हमें कितना मिल रहा है इसमें? 0.3 ग्राम। कार्ब्स कितना मिल रहा है इसमें? 15 ग्राम। और इसमें प्रोटीन कितना मिल रहा है? 25 ग्राम। एक मील में हमें इतना मिल रहा है। आप इसको पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं और प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं। इसको दोनों जगह पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 50 ग्राम सोया चंक पर डे ले रहे हैं, तो आपको एस्ट्रोजन लेवल वगैरह की या टेस्टोस्टेरोन हमारा जो रहता है उसकी ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सोया चंक का। अब बात आती है हमारी सेकंड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक की।
प्रोटीन रिक्वायरमेंट कि हमें प्रोटीन सर कितना लेना चाहिए पर डे, हम कितने तक कंज्यूम करें कि प्रोटीन हमारे लिए ठीक रहे, तो उसी पे आज हम बात करते हैं। सोया चंक आपको पर डे कितना लेना है? ग्राम 50 ग्राम तक आप सोया चंक दिन में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बेस्ट ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन सोया चंक 50 ग्राम तक अगर आप लेंगे तो। फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कि हम सर दिन में प्रोटीन कितना लें, भैया हम पर डे कितना प्रोटीन लें कि हमारे लिए ठीक रहे। मैं कईयों को देखता हूं मेरे जिम में भी खुद, वो पर डे 100 ग्राम 110 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सही आज तरीका बताऊंगा हमें कितना प्रोटीन दिन में कितना चाहिए। 0.75 मल्टीप्लाई आपका जितना भी वेट हो, जिसका जितना भी वेट हो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका वहां पे अपना पर डे का आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ जाएगा, आपको कितना आपको प्रोटीन लेना है। अगर मेरी माने ये तो निकल गया आपका पर डे का, कोई भी अगर किसी का वेट कम भी हो सकता है, किसी का वेट ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सबका वेट एक सार हो, एक जैसा ही हो, तो उसको कैलकुलेशन करना आपको पता ही चल गया है। उससे कैलकुलेट कैसे करना है, 0.75 मल्टीप्लाई अपना जो भी वेट हो उससे कर दीजिएगा आपका पर डे का, आप पर डे कितना कंज्यूम प्रोटीन कर सकते हैं वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल सीधी भाषा में किए जाए बात, सिंपल अगर बोला जाए पर डे हमें 70 से 80 ग्राम प्रोटीन पर डे हमें इनफ होता है, इससे ज्यादा प्रोटीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इससे आप ज्यादा लेंगे तो वेस्ट जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो आप पर डे कितना लेंगे प्रोटीन, 70 से 80 ग्राम तक आप प्रोटीन ले सकते हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब कोई कोई क्या सोचता है सर, कोई कोई क्या सोचता है, भैया हम तो जिम जाते हैं हमारी बॉडी बन ही जाएगी, 70-80 ग्राम प्रोटीन भी ले रहे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी अगर ग्रो करना आप लोगों को, अगर बॉडी आपको बनाना है तो आपको 7-3 चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान क्या है, प्रोटीन का। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है पर डे वो 70 से 80 ग्राम, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.75 मल्टीप्लाई जितना भी आप लोगों का वेट हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वेट आपका पर डे का प्रोटीन कितना कंज्यूम कर सकते हैं वो निकल जाएगा, ठीक है। कहां पे दे हम, हाँ हमें बॉडी कैसे बनेगी, ठीक है, ये भी इश्यू सबका रहता है, इसी वीडियो में बता देता हूँ, थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, सबसे पहले चाहिए प्रोटीन, हमें पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, सबसे पहली बात है ये। और सेकंड हमारा आता है रेस्ट, रेस्ट सेकंड क्या आता है, रेस्ट। आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, और आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, और स्लीपिंग आपको नींद कम से कम मोस्टली 8 आवर की चाहिए, 8 घंटे की आपको नींद प्रॉपरली चाहिए ही चाहिए। आप लोगों को पता ही चल गया होगा प्रोटीन क्यों चाहिए, व्हाई डू नीड प्रोटीन, प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, जब भी हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है उनकी रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। सेकंड था हमारा प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन सोर्स वैसे आप काजू बादाम वगैरह नट्स वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट क्या है, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो, सॉरी अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं। आप फिर बोलेंगे कई लोग क्या बोलते हैं, सर हम प्रोटीन ले ही रहे थे, जो हमारा सोया चंक जो मैंने आपको बताया था, सोया चंक हमें ये खाने की क्यों आवश्यकता है सर, देखिए पहले मील में आज ले सकते हैं प्रोटीन, सेकंड मील में आपको ये नहीं है कि एक बार प्रोटीन ले लिया सर सब कुछ खत्म, नहीं, आपको पर मील में हो गया एक स्कूप प्रोटीन लेंगे तब हो गया आपका मील हो गया। सेकंड मील लीजिए आप सोया चंक बना लीजिए 50 ग्राम, आप उसको उबाल के आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, और उसके साथ में आप राइस का यूज कीजिए, उसके साथ में आप राइस का आप यूज कीजिए, राइस ही ले सकते हैं, ये अपना हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन
जो तीसरा होता है हमारा बादाम काजू वगैरह हो गए हैं, उनको ड्राई फ्रूट वगैरह हो सब हो गए हैं, वो आप इजीली आप फ्राई करके और ले सकते हैं। आप कॉफी के साथ में सबसे बेस्ट रहता है, कॉफी लीजिए और उनके साथ लिए बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आप इसको जिम करने से पहले भी ले सकते हैं, नट्स वगैरह और जो कॉफी है कॉफी का एक शॉट लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद में प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए हमें सर, प्रोटीन की हमें दिन में प्रोटीन की हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है, अगर नॉर्मली भाषा में की जाए, अगर कैलकुलेट भी कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे तो आप 70 से 80 ग्राम को पर डे हमें प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो जिम करने वाले एथलीट्स हैं जो उनको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ये हकीकत है। ठीक है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट का पता चल गया, आप सब इश्यू क्लियर हो गए होंगे, जितने भी थे आप सब लोगों के डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। सबसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है सोया चंक, इससे बढ़िया कोई नहीं है। चंक, सोया चंक सबसे बेस्ट है, सोया चंक। आप पर डे 100 ग्राम मत लीजिएगा, आप पर डे लीजिएगा, पर डे आप 50 ग्राम सोया चंक लीजिएगा, उसमें आपको प्रोटीन आपको 25 ग्राम 25.5 ग्राम लीजिएगा, उसके बाद में आपको कार्ब्स मिल जा रहा है 15 ग्राम, और उसके बाद में फैट तो ना बराबर ही है आपका, फैट का आपको कितना है 0.3 मिल रहा है 50 ग्राम सोया चंक में, इससे बढ़िया सोर्स और कोई नहीं है प्रोटीन का। और उसके बाद में अगर आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर इसके साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं आपके ऊपर सोने का सुहागा हो जाएगा, पहली आपकी मील में हो जाएगा प्रोडक्ट, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं प्रोटीन का, एक स्कूप ले सकते हैं, एकदम बेस्ट है। ठीक है, आप जिम करते ही, जिम करने के बाद तुरंत आप 15-20 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आप प्रोटीन का एक स्कूप ले लीजिए। अगर आप प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप 50 ग्राम सोया चंक लीजिए, 50 ग्राम में आपको 25 ग्राम वैसे मिल जा रहा है प्रोटीन। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं पर स्कूप में आपको किसी में आपको मिलेगा किसी में मिलेगा आपको 25 ग्राम और किसी में मिलेगा 30 ग्राम आपके एक स्कूप में, और सोया चंक 50 ग्राम ले रहे हैं आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है और कार्ब्स मिल जा रहा है, फैटिंग मिल जा रहा है, आपके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। और बिल्कुल इसको फैमिली भी खा सकती है, एकदम नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। पर डे आपको 50 ग्राम सोया चंक यूज कीजिए, आपको कोई इशू नहीं होगा, एकदम 100% और रिजल्ट भी अच्छे देता है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। आज की वीडियो यहीं तक ही, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा थोड़ा ही लगता है, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी नॉलेज देते हैं, पसीना आता है, इतनी मेहनत जो करते हैं, आप अगर एक सब्सक्राइब कर देंगे कोई घट थोड़ा जाएगा यार। आज की वीडियो यहीं तक ही थी, नमस्ते।